दोस्तों वीडियो का टॉपिक देख के तो आप समझ ही गए कि आज जो है हम बात करने वाले हैं कैसे आप जल्दी सब्सक्राइबर गेन कर लें, और कुछ मैं स्टोरी को रिलेट करूंगा अपने साथ ताकि आप ज्यादा एंगेज हो सके और आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ सके कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर जो है कैसे गेन किया जा सकता है। जैसे कि शुरुआत के अंदर मेरे 1000 सब्सक्राइबर एक महीने के अंदर भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन आजकल की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 दिन में मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो है जुड़ जाते हैं, और थोड़े दिनों में फॉर श्योर मैं आपको बोल सकता हूं कि ये डेली के हिसाब से होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप मेरा साथ दे रहे हैं उम्मीद करता हूं कि 1000 सब्सक्राइबर डेली के हिसाब से हम जल्दी जोड़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर जोड़ सकते हैं अगर आप नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपके चैनल पर इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेक वाणी। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टिप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो सबसे जरूरी है हमारा किसी को हेल्प करना। अगर आपके वीडियो किसी की हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ जो है वो जल्दी से अच्छे से होने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूं, अगर ये मेरा वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए एक यूजफुल वीडियो होने वाला है। मैं बात करता हूं अलग टॉपिक्स की भी, अगर आप बात कर लीजिए कि आप कुकिंग चैनल चला रहे हैं या फिर आप ब्लॉगिंग का चैनल चला रहे हैं। मान लीजिए ब्लॉगिंग के चैनल में मैं कैमरा मान लेता हूं, और कैमरे को या फिर अपना दोस्त मान लेता हूं। अगर मैं अपना दोस्त मानूंगा तो मैं उसको इस तरीके से ट्रैवल कराऊंगा कि वो मेरा दोस्त है और मैं उसको सारी चीजें दिखाना चाहता हूं जो मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहता था, डेफिनेटली एंगेजिंग होगा। वहीं पर मैं अगर उसे कैमरा मानना शुरू कर दूंगा तो फिर वो मेरा इतना एंगेजिंग कंटेंट नहीं होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैमरा को कैमरा ना मान के वो व्यूअर मानना जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं इसी तरीके से मानता हूं कि मैं आपसे डायरेक्टली 1-on-1 बात कर रहा हूं। जी हां, आपसे बिल्कुल डायरेक्टली 1-on-1 बात कर रहा हूं, और मुझे काफी अच्छा लगता है आपसे बात करना। और अगर मैं इस वीडियो के थ्रू आपकी कुछ भी हेल्प कर पा रहा हूं तो दोस्तों आज की तारीख में हम ऐसी कम्युनिटी के अंदर जी रहे हैं जहां पर बहुत आसान है शेयरिंग करना। तो मैं अपनी जो नॉलेज है उसको आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं जिससे शायद आपकी कुछ हेल्प हो सकती है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा हो गया है वो है हेल्प करना। तो शेयरिंग कीजिए और डेफिनेटली ये लोगों के काम आएगी और वो आपको जरूर इसके लिए अप्रिशिएट करेंगे। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की। दोस्तों टिप नंबर 2 की अगर बात करूं तो पैशनेट होना बहुत जरूरी है जो भी आप काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैसा कमाने के लिए उस काम को करें। दोस्तों अगर आप पैसा कमाने के लिए वीडियो बना रहे हैं तो मैं आपको एक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे जरूरी है पैशन का होना, क्योंकि पैसा उसके बाद आता है। यूट्यूब पे पैसा बहुत लेट आएगा। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो बनानी शुरू कर दी तो कल से आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। पहले आपका पैशन जरूरी है, क्योंकि अगर आपका पैशन नहीं है तो मर जाएगा बाद में थोड़े टाइम बाद, और उस टाइम पे आपको काफी दुख होगा क्योंकि आप काफी मेहनत कर चुके होंगे। और पैशन होता ना तो पता ही नहीं चलता कि कब काम स्टार्ट किया। जैसे मैं शुरू करता चला गया, मेरे को कभी पैसे का ऐसा था ही नहीं कि कब आएगा कब नहीं आएगा, और वो ऑटोमेटिक आना भी स्टार्ट हो गया। तो सबसे जरूरी है कि आपका पैशन का होना, और दूसरा वेट नहीं करना। अगर आप वेट करते हैं बहुत ज़्यादा तो ये बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि 3 चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अगर आप YouTube चैनल अच्छा चलाना चाहते हैं, ग्रो चाहते हैं, तो कंटेंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट इज किंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली लोग आपकी वीडियो को पसंद करेंगे। दूसरी, आपकी क्वालिटी का और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी से मैं हर चीज़ को मेजर करता हूँ। मान लीजिए आपकी ऑडियो की क्वालिटी कैसी है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, आप लोगों से एंगेज कितना अच्छा कर पाते हैं, तो ये क्वालिटी हर चीज़ के अंदर मैटर करेगी। हालांकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास अभी ये इक्विपमेंट नहीं है, ये नहीं हुआ, तो आपके पास जो भी है ना उसको आप कितना बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं ज़रूर देखिएगा। और किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं पूरी ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने की। और एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कंटिन्यूटी का होना। कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो डालते हैं, फिर कुछ दिनों तक वीडियो नहीं डालते हैं, फिर वीडियो डालते हैं, फिर कुछ दिनों तक वीडियो नहीं डालते हैं। इससे तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है दोस्तों, क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर में बोलता हूँ, मान लीजिए आपको कोई दोस्त है, वो आपसे डेली मिलता है, तो आपकी इंगेजमेंट उससे काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। लेकिन वो दोस्त आपसे कभी कभी मिलता है या बीच में आता ही नहीं है, तो हो सकता है आप इंस्टेंटली किसी दूसरे इंसान से दोस्ती कर लें और वो आपसे डेली मिले तो उसकी दोस्ती आपसे अच्छी हो जाए। तो इसको आप चैनल के थ्रू ही मान के चलिएगा कि मैं आपसे डेली ना मिलूं या रेगुलर आपसे ना मिलूं, आपको कोई दूसरा चैनल आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वो आपको पसंद आ गया तो आप उसके रेगुलर सब्सक्राइबर या यूज़र बन जाएंगे। मेरे को आप उतना छोड़ भी सकते हैं अगर आपको कंटेंट नहीं पसंद आ रहा है। तो कंटिन्यूटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। कंटेंट, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, तीनों चीज़ें पर आप ध्यान दीजिएगा। और हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों अगली अगर टिप की बात करें तो वीडियो तो आपने बना लिया, अब क्या करें? तो दोस्तों गूगल जो है या फिर यूट्यूब जो है वो ह्यूमन नहीं है, वो हमारे वीडियो को इस तरीके से नहीं समझता है, वो वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझता है। तो ऐसे में काफ़ी सारे हेल्पिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, SEO टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने वीडियो को बूस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन हम अच्छा लिखे, हेडिंग जो है हम अच्छे लिखे, टैग्स हम अच्छे लगाए। इसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे VidIQ हो गया, फिर TubeBuddy हो गया, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं वीडियो को बूस्ट
कराने में ये सजेस्ट करते हैं कि कौन सा आप टैग यूज करें तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपने चैनल को, तो काफी अच्छा खासा फायदा आपको करा देते हैं। तो टैग्स वगैरह आप ढंग से यूज कर सकते हैं ताकि आपका वीडियो जो अच्छे से बूस्ट कर जाए और आप थंबनेल भी अच्छा बनाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोग थंबनेल देख के आपके वीडियो पर क्लिक करते हैं, तो उसका भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूं कि थंबनेल अच्छा थंबनेल जो है वो कैसे बना सकते हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने वीडियो को शेयर करना, जो भी आपकी कम्युनिटी है, जो आपके दोस्त है, जो आपके सर्कल में है, व्हाट्सएप पे है या फिर फेसबुक पे है, जो आपको जानते हैं, उनका वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि आप कितना कमाल धमाल काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आप अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन करेंगे। ये कुछ मेरी टिप्स थी इस वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा वीडियो, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन उसे दबा देंगे तो वो लाल से ग्रे हो जाएगा और मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।